प्रणाम सर, केमन आछेन? एक जमाना था जब हम लोगों का चाय का दौर हुआ करता था, हम डीबीसी का गाड़ी का काम लिया करते थे। उस समय से हमारे दादा को हम पहचानते हैं। क्या कैसा है तबीयत? ठीक है? तो मास्क जरूर लगाया करे है? जी 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 जी। कहाँ पर देखा गया है सांप? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग क्या वाच कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा स्पेक्टिकल कोबरा है, ये बहुत ही बड़ा कोबरा है। आदमी से थोड़ा कम खतरनाक है। ये कोबरा है, बहुत ही सुंदर है, देखने में सबसे अलग है। खड़ा कीजिए बैठिए जितेंद्र जी। इसका लंबाई देख करके लगता है कि अमिताभ बच्चन भी फेल। काफी लंबा है, आप लोग देखिए। देखने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन मास्क जरूर लगाइए। हम पहले सुरक्षित होंगे तभी दूसरे को सुरक्षित कर पाएंगे, इसलिए मास्क लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे हम लोग इसे हिंदी भाषा में भारतीय नाग के नाम से जानते हैं। बंगला में इसे हम लोग गोखुरा कहते हैं। थोड़ा सा चुप रहिए। इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, और एक साइंटिफिक नेम है इसका नाजा नाजा। ये अगर काट लेगा तो पंचेत हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है पंचेत हॉस्पिटल कोविड का सेंटर बन चुका है, कोरोना सेंटर बन चुका है। इसलिए सांप से बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें, सांप के साथ स्टंट ना करें, और नहीं तो कहीं ना कहीं ये जानलेवा होगा हमारे लिए। ये घोड़ा देख भी जब नासना मत दिए। कुछ लोग कहता है कि मुबारक जी कुछ शक्ति है, भैया बिल्कुल गलत है। मुबारक भैया, ये पकड़ना एक टेक्निक है, और टेक्निक के सहारे ही हम लोग सांप को धर सकते हैं। गुजरात से एक गुजरात में कुछ लोग बता रहे थे कि अगरबत्ती जलाते ही सांप भाग जाता है, ये भी बिल्कुल अंधविश्वास है। एक टाइम मत खाइए, अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। क्या करना है? एक टाइम नहीं खाना है, बेटा बेटी को स्कूल कॉलेज भेजना है, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। देख रहे तो हाँ हाँ, ये बैटरी वाला सांप है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, ये बैटरी लग रहा है, रिमोट से चल रहा है ये सांप। भैया हाँ, नीचे रखिए थोड़ा, खड़ा कीजिए ना। और नहीं, ज्यादा दिखलाना सही नहीं होगा, जब तक देख रहे हैं अच्छा लग रहा है। जब हमको काट लेगा तो मेरा भी भोज हो जाएगा, है ना? इतना जो सच्चाई है सच बोलने दीजिए, सच बोलना चाहिए। अभी अचानक अगर काट लिया, इंजेक्शन रखा हुआ है कहाँ? पंचेत हॉस्पिटल में, लेकिन हमको इंजेक्शन नहीं देगा। इसका कारण क्या है? वहाँ कोरोना पॉजिटिव सबको भर्ती रखा है, इसीलिए हमारा भी इंजेक्शन नहीं मिलेगा। हमको सीधे शोशान तरफ जाना होगा। किधर जाना होगा? 0 पॉइंट कब्रिस्तान जाना होगा भैया, वही वाला है ना।
पता नहीं क्या है नहीं है, आप लोग देख रहे हैं देखिए, लेकिन कभी भी हम जिस तरह पकड़ रहे हैं इस तरह कभी भी छूने का कोशिश ना करें। थोड़ा दादा को दिखला ना, सीआर काट लिया थे उधर, थोड़ा थोड़ा हंस रहा तो कैमरा में कैद करो कैमरा, थोड़ा मास्क लगाइए पहले पहले गमछा ना, ना मेरा नंबर था। दादा को एक बार सीआर काट लिया था, इनके साथ साथ सात आठ आदमी को काटा था और वो सीआर से फाइट भी कर रहा था यहीं पर, उठा पटक सीआर अंत में भाग गया डर से। सोचिए यही पृथ्वी सबसे विषाक्त प्राणी होते मानुष, मानुष थे कि विषाक्त प्राणी पावा जाए नी पृथ्वी से, सांप होते हमारे পরিবেশ বন্ধু, সাপ বাঁচান পরিবেশ বেঁচে থাকবে। দেখিয়ে ইয়ে স্টিল কা হুক মে আচ্ছা সে ইয়ে ফস চুকা হ্যায়, ইসলিয়ে ইয়ে কহিন না কহিন কোই এঙ্গল সে কাট নাই পায়েগা। ধরা একটা টেকনিক, আর টেকনিক কো জাননে কে লিয়ে শিক্ষা কা হোনা জরুরি হ্যায়, और शिक्षा को जानने के लिए स्कूल जाना जरूरी है। इसलिए यहाँ जितना बच्चा है, थोड़ा सा कैमरा में कैद करो तो बच्चा लोग स्कूल जाते हैं लॉकडाउन में, अभी सब बच्चा डेढ़ साल से मस्ती कर रहा है घर में। लेकिन हाँ गार्जियन से अपील है कि हर बच्चा को ऑनलाइन पढ़ाइए, ठीक है। काफी बड़ा है और इसका जो फन है, कुछ लोग कहता है कि यहाँ से मनी निकलता है, ये भी गलत है, ये भी गलत धारणा है कि मनी होता नहीं है। आप काम कीजिएगा तभी आपको 150-250 हाजिरी मिलेगा। सांप का कोई मनी नहीं है, कोई ताबीज नहीं है, कोई जड़ी नहीं है, सांप सांप है, सांप हमारा इको फ्रेंड है, परिवेश बंधु है, इसीलिए सांप बचाइए पर्यावरण बचा रहेगा। मेरा एज 50 साल हो गया है, सांप कुछ भी नहीं तो कम से कम 15+ होगा, यानी 15+ होगा। चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद जय भारत, और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। देखा साथियों आप लोग, खास करके गुलू डंगाल के कुछ गांववासी इसे भगवान भी मान रहे थे। साथियों हार तब तक नहीं मानी जाती, हार तब तक नहीं मानी जाती जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। हार मानकर कोशिश करना छोड़ देना ही असली हार है। रिलीज करने का मजा ही कुछ अलग है। जय हिंद, देखिए किस तरह रिलीज करते हैं, रिलीज करने का मजा ही अलग है। जय भारत, गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, लोगों को दिखाइए वंदे मातरम, वंदे मातरम।